मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। अखिलेश जो है वो कौन वोट देगा जनरल गज में, सिवा अहिर छोड़ के बाकी उनको कोई वोट नहीं देगा। हाँ हाँ, कह रहा योगी ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया, बहुत काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, आगरा वाला चालू हो गया, हर गांव में। मैं अभी गया था गांव देवरिया जो है, मैं रहा वहाँ जो है 5 दिन, जहाँ मेरा घर है, गांव-गांव में गैस के कनेक्शन, घर घर गैस के कनेक्शन, और हर आदमी को जो है 35 किलो राशन, एक दिन के मजदूरी में 35 किलो राशन फ्री में। अब पूरा गांव जो है, हमारा गांव में जो है एक आदमी जो है लेबर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, एक दिन मजदूरी करते हैं 35 किलो फर्स्ट क्लास का चावल दाल चीनी गेहूं मिलता है। मोदी जी इतना बांट रहे हैं, कभी बटा है इतना? कभी आप बताइए, कभी बटा है? मोदी जी घर घर गैस के कनेक्शन दे दिए, दरवाजे दरवाजे शौचालय बना दिए, अखिलेश का किए हैं? अखिलेश क्या किए हैं? अखिलेश यही किए हैं कि सत्ता जब मिल गई तो पूरा सत्ता अहिर के कल्याण के लिए झोंक दिए, और कोई काम नहीं किया। केवल एक जात की पार्टी, एक जात विशेष की पार्टी है वो। ये हम लोग भी चुनौवा में बोलेंगे, हम भी नेता हैं ट्रेड यूनियन, बोलेंगे हम लोग भी। ये बताइए कितनी उम्र है पहले तो? हमारी 66 साल की उम्र है। 66 साल की है। मुलायम सिंह का राज देख चुके हो, मायावती का देख चुके हो? अरे हम जो है राम नरेश यादव जी जो है उनको मैं अच्छा आदमी मानता हूँ। राम नरेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस समय 77 में आया नौकरी में, ईमानदारी से अपॉइंटमेंट होता था, उसी समय पोस्ट ग्रेजुएट करके निकला था मैं, और वो ईमानदार आदमी थे, बैकवर्ड के पहले चीफ मिनिस्टर वो यूपी में बने, है ना, नहायत ईमानदार थे, उनकी तारीफ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं। उस समय का मैं अपॉइंट हूँ, तो मैंने उनको देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा, उसके बाद श्रीपत मिश्रा जी आए उनको देखा, फिर नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, हमारे कल्याण सिंह 91 में आए, सपा बसपा का शासन देखा, है ना, सड़क पे नारा लगता था है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, मैं वो भी देखा हूँ। 66 साल उम्र हो गई, लखनऊ 44 साल से मैं हूँ। ये कह रहे हैं अखिलेश बार बार पर उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, राज है, गुंडागर्दी कराते हैं योगी। हाँ गुंडई है, 12 बजे रात खान, आप 12 बजे रात को आप यहाँ से लखनऊ से कार लेके जाओ जो है गोरखपुर, कोई आदमी पूछेगा नहीं कि कार कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है, कोई पूछेगा नहीं। रही है मुख्तार अंसारी की हालत हुई है, गुंडे आप देख लीजिए, उसके सरकार में फ्री घूमते हैं, आप देख लीजिए जो है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी हैं, ये तो दो मुस्लिम नाम लिया हमने, जौनपुर में देख लीजिए, आजमगढ़ में देख लीजिए, जो जनरल कास्ट के जो गुंडे हैं वो भी जो है चुपचाप सोए हैं जमीन के अंदर, कहाँ गुंडा राज है। ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति, ब्राह्मण जाति वोट के कोई, ब्राह्मण ये जान लीजिए कभी जाति पे वोट नहीं देता है, ब्राह्मण जो है इतिहास गवाह है कभी जात पे वोट नहीं देता, ब्राह्मण हमेशा जो है राष्ट्रवाद पे वोट देता है, राष्ट्रवाद, जो ब्राह्मण जातिवाद करे और जाति के नाम पर वोट दे वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जो है राष्ट्रीय एकता अखंडता को वोट देता है। अब मोदी जी से बड़ा राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो है इतना सशक्त और इतना जो है मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बाद, हम ऐसा है इंदिरा गांधी का मैं प्रशंसक हूँ, इंदिरा जी के बाद जो है नरेंद्र मोदी हुए हैं, ये जनता सब समझ रही है, आज अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होते तो तालिबान वाले घुस जाते कश्मीर में, होता कि नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे थर थर काँप रहे हैं लोग। हमारा जो है CDS ने बोल दिया कि अगर तालिबान के लोग वहाँ कश्मीर में घुसे तो उनके साथ वही व्यवहार करूँगा जो आतंकवादियों के साथ करता हूँ, तो ये तो देश का जो है सौभाग्य है कि हमारे नरेंद्र मोदी जैसा हमको प्राइम मिनिस्टर मिला है।
और कोई राष्ट्रवादी आदमी नरेंद्र मोदी को छोड़ के दूसरे को वोटे नहीं देगा। अंकल जी आपकी भी उम्र काफी ज्यादा है, आप सारी पार्टियों को देख चुके हो और आपने भी तालिबान का नाम लिया कि तालिबान के लिए खुली चुनौती और खुली धमकी दे चुके हैं हमारे सीडीएस जी बिपिन रावत की तरफ से दे दी जा चुकी है, पर उन लोगों के लिए क्या कहें जो भारत में रहने के बावजूद ही तालिबान का सपोर्ट करते हैं। शफीकुर रहमान सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि तालिबान आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये जितने लोग जो है तालिबान के प्रशंसक हैं, अगर हमको पावर मिल होता तो मैं इन लोगों को एक हवाई जहाज में बैठा के और काबुल में ले जाके उतार देते कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा है, इसी काबुल में रहो। जितने लोग राय बरेली का एक शायर है वो भी बोल रहा है, शफीकुर रहमान मुनव्वर राना पाना जितने हैं, इन लोगों को एक ही है कि एक हवाई जहाज पे बैठा के ले जाके काबुल कंधार में उतार दो कि भैया रहो यही तालिबानियों के बीच में, तुमको हिंदुस्तान में जो है तुमको सूट नहीं कर रहा। एक इलाज इनका, मोदी जी का जब मूड आएगा तो कर देंगे। हम ये भी जानते हैं मोदी जी के जब मन बनेगा तो कहेंगे कि इनको भेज दो जरा तालिबान चले जाए। तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं सपा के नेता, पर अखिलेश यादव चुप्पी नहीं तोड़ते कि आखिरकार इनके नेता तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। सारे राष्ट्रद्रोही तो सपा में है, तो तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सब राष्ट्रद्रोही तो सपे में है। आपका जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि ब्राह्मण क्यों वोट देंगे सपा को या बसपा को, क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र है। ब्राह्मण राष्ट्रवादी लोग हैं, कह दिए भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, सपा या बसपा कितना शोरगुल करेंगे ब्राह्मण भाजपा को वोट देंगे, ब्राह्मण भाजपा को एकदम निश्चित। हाँ बताइए। अखिलेश कह रहे हैं कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी है भाजपा, यही बात कहती हैं प्रियंका वाड्रा, सम्मेलन किए जा रहे हैं मायावती और अखिलेश यादव की तरफ से। वो सब फर्जी सम्मेलन है, कोई ब्राह्मण नहीं जा रहा है, ब्राह्मण के नाम पर अन्य जातियों को लोगों को इकट्ठा करके फर्जी सम्मेलन हो रहा है। ब्राह्मण तो राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा के साथ है। काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश, एक नंबर की काम कर रही है, न कहीं दंगा न कोई बवाल न कहीं शोर न शराबा, एकदम एक नंबर काम कर रही है। सुरेश यादव मेरा नाम है और मोदी जी का पूरा देश स्तर पे क्या पूरा विश्व स्तर पे नाम है, जो इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई अभी मिला नहीं था, अटल जी भी थे उनसे भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश कहते हैं कि गुंडे ही करा रहे हैं। योगी जी बहुत हमारे मुख्यमंत्री में कोई दाग नहीं है और यशस्वी मुख्यमंत्री और लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं, थोड़ा भी कर रहे हैं तो तुरंत जेल के हालात में जा रहे हैं और बुलडोजर पीछे से चल रहा है। आतंकवादी उग्रवादी देशद्रोही अब जो होगा वो रह नहीं पाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हम सबका है ना, सबका साथ सबका विकास। और आप भी यादव हैं, अखिलेश यादव भी यादव हैं, क्या अखिलेश सुनिए, हम राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्र के लिए काम करते हैं हम लोग। अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश जी अपने जगह पे हैं, वो राष्ट्र अपने बाप को हटा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश प्रदेश का क्या होगा। उनकी भी सरकार देखा गया है, अखिलेश यादव की, उनके सरकार में जितना लुटाई गुंडागिरी हुआ है और दलाली घुसखोरी हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे बसपा भी हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है माननीय मायावती जी का, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी थी है या रहेगी। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी 2022 में। 2022 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा और माननीय योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री होंगे, लोकप्रिय होंगे। कह रहे हैं लोग नाराज हैं, युवा नाराज हैं योगी आदित्यनाथ। कोई नाराज नहीं है, यह विरोधी दल के लोग इधर उधर फैलाते हैं। आज भी युवा नौजवान किसान मजदूर हिंदुत्व के लोग भारत हिंदुस्तान वासियों उत्तर प्रदेश वासियों पूरे
तन धन मन से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ है, योगी सरकार मोदी के सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ 2022 में पूर्ण बहुमत प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है ना।